अस्सलाम वालेकुम माय डियर फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक ठाक हूँ। तो आज मैं आप लोगों के लिए बहुत इजी और सिंपल रेसिपी लेकर आई हूँ खीर बनाने की। तो सबसे पहले हम नोट कर लेते हैं इसके इंग्रेडिएंट्स। तो खीर बनाने के लिए सबसे पहले मैंने 4 टेबलस्पून राइस ले लिए थे, जिनको मैंने सोक करके रख दिया था 15 मिनट के लिए। अब इसका पानी मैंने निकाल दिया है और अब इसको मैं बारीक पीस लूँगी। साथ में ये चीनी जो है वो मैंने अपने टेस्ट के हिसाब से ली है, मतलब कितना मीठा आपको खाना है वो आप अपने जो है ना हिसाब से ऐड करें। और 4 जो है ना मैंने यहाँ पर ये ली है ग्रीन वाली इलायची, और साथ में जो है ये ड्राई फ्रूट है, इसको मैंने जो है ना मोटा मोटा कूट के रख लिया था। और ये है केवड़ा, तो लास्ट में केवड़ा हम ऐड करेंगे तकरीबन 1/2 टीस्पून, और 1 लीटर जो है ये हमारे पास मिल्क है। तो चलें स्टार्ट करते हैं अपनी रेसिपी। पर जो है ये पूरा मैंने जो है ना वो 1 लीटर जो था दूध हमारे पास, तो ये मैंने ऐड कर लिया है इसमें। तो ये मैंने इलायची को इस तरह से खोल दिया है बीच में से, और दूध में इसको शामिल कर लूँगी। तो जब तक दूध बॉईल हो रहा है तो हम चावलों को पीस लेते हैं। तो यहाँ पर देखें कितना पतला सा पेस्ट हो गया है रेडी, और साथ ही दूध हो गया बॉईल। तो यहाँ पर दूध में बॉईल आ रहा है, तो अब जो वो चावलों का जो मैंने पेस्ट बनाया हुआ है वो हम इसमें आराम आराम से ऐड करेंगे, और साथ जो है वो चम्मच चलाते रहेंगे ताकि जो है वो इसमें लम्स ना बने। तो यहाँ पर जो है वो दूध में बॉयल आने स्टार्ट हो गया है, और हम इसको जो है 15-20 मिनट तक के लिए स्लो फ्लेम करके जो है वो इसको पकाएंगे ताकि ये जो है अच्छी तरह से थिक हो जाए। तो देखें जैसे जैसे जो है वो ये बॉयल होता जा रहा है तो खीर जो है वो थिक होती जा रही है। तो यहाँ पर देखें कि कितना ज़्यादा जो है वो ये थिक हो गया है, और दूध भी जो है वो उसका देखें कितना ज़्यादा कम हो गया है पक पक कर। और ये देखें ये काफ़ी अच्छा सा हो गया है अब इसका टेक्सचर। तो अब इसको हम थोड़ी सी देर और कुक करेंगे, और इसके अंदर जो है ऐड करेंगे चीनी और साथ में ड्राई फ्रूट। अब लास्ट में जो है मैं इसमें ये केवड़ा वाटर ऐड कर रही हूँ। अगर आपके पास केवड़ा एसेंस है तो वो आप 2 से 3 कतरे इसमें ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने 1/2 टीस्पून के करीब जो है वो केवड़ा वाटर ऐड किया है। अब इसको मिक्स कर लेंगे और उसके बाद फ्लेम को कर लेंगे ऑफ। खीर जो है वो अच्छी तरह से पक चुकी है, फ्लेम को कर दिया है हमने ऑफ। ज़्यादा गाढ़ा नहीं करेंगे इसे, क्योंकि जो है ना ये ठंडी होने के बाद भी जो है और थिक हो जाएगी। तो इसको हम बाउल में निकाल लेते हैं और उसको रूम टेम्परेचर पर ठंडा करने के बाद इसको फ्रिज में रख लेंगे। तो उम्मीद करती हूँ आप लोगों को आज की रेसिपी पसंद आई होगी। मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, अपना बहुत सारा ख्याल रखना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।